दोस्तों लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और कमाल की वीडियो, जहाँ पर हमने बहुत सारे ईयरबड्स बाय करे, ताकि मैं बता पाऊँ कि 2000 रुपए के अंदर अभी सबसे बेस्ट ईयरबड्स कौन से हैं। और हाँ, इन सभी ईयरबड्स के माइक्रोफोन का आउटपुट मैंने एंड में डाला हुआ है, तो ये जरूर सुन लेना ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कौन सा ईयरबड्स आपको बेस्ट माइक्रोफोन आउटपुट देगा। नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं और नंबर 1 तक जाते हैं और देखते हैं सबसे बेस्ट कौन सा है। तो नंबर 5 पे जो हमने रखे ना, वो है नॉइस के ऑरा बड्स, अभी लेटेस्ट लॉन्च हुए हैं। और भाई इनकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ ना, तो 1399 रुपए। अब बता दूं, यहाँ पर अगर आप बजट के अंदर देख रहे हो, यानी कि 1500 रुपए से नीचे और लॉन्ग बैटरी बैकअप वाले को ईयरबड्स, तो भाई इनको चूज कर सकते हो। इनकी जो लुक एंड बिल्ड डिजाइन है वो आपको ठीक ठाक से मिल जाएगी, लेकिन स्पेशली बोलूंगा भाई जो ईयरबड्स है ना, उसके ऊपर भाई ये कार्बन जो फिनिश दे रखे ना, ये लिटरली मुझे बहुत पसंद आई। और इस बजट में वैसे ऐसे डिजाइन वाले मिलते नहीं है ईयरबड्स। बाकी अगर आप इसकी हिंजेस वगैरह देखोगे वो भी ठीक है। और यहाँ पर आपको 60 आवर्स का प्ले टाइम मिलता है पूरे केस के साथ। ईयरबड्स भी 5.5 से 6 घंटे के आसपास आपको बैटरी बैकअप निकाल के देते हैं। और हाँ, फास्ट चार्जिंग है टाइप सी के साथ, 10 मिनट के अंदर 150 मिनट तक का आउटपुट आप ले सकते हो। बाकी और भी फीचर्स हैं, जैसे कि IPX5 की रेटिंग यहाँ पर मिल जाती है भाई, 50 ms की लो लेटेंसी है गेमिंग वगैरह के लिए। और यहाँ पर भाई आपको ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी का फीचर मिलता है। भाई मेरे हिसाब से आई थिंक 1500 रुपए के अंदर कोई मुश्किल ईयरबड्स है जिसके अंदर आपको ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर मिल जाता है, ये अच्छी चीज लगी मुझे। अब जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, मतलब मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर दो मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो एक ही टाइम के अंदर। माइक्रोफोन के लिए यहाँ पर आपको क्वाड माइक और ENC का सपोर्ट दे रखा है। माइक्रोफोन का आउटपुट मैंने एंड में डाला है, लेकिन अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की। तो यहाँ पर भाई ऑडियो क्वालिटी मुझे बढ़िया लगी नॉइस की तरफ से, मतलब ये रहता ही है कि आपको डिसेंट सी, मतलब अच्छी क्वालिटी मिल जाती है ऑडियो के अंदर, जहां पर आपको वोकल्स वगैरह सही मिल जाते हैं, बेस आउटपुट भी बढ़िया मिल जाता है। और अगर मैं लाउडनेस की बात करूं, तो फुल जब भी आप सुनते हो ना, तो आपको कोई डिस्टॉर्शन नहीं मिलता, इवन लाउडनेस भी काफी सही मिल जाती है। और प्राइसिंग की बात करूं तो सिर्फ 1399 रुपए की 1400 रुपए के अंदर ही आते हैं। कलर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, बाकी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। अब नंबर 4 के लिए ना, दो ऑप्शन आ रहे थे वैसे मेरे पास। एक था बोट का 141 ANC, जो कि भाई ANC के साथ आता है, और दूसरा आपने देखा होगा भाई फ्लैक्स आता है 454 करके फ्लैक्स। और इन दोनों में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि कौन सा बाय करें। तो बता दूं भाई, इसको तो बिल्कुल बाय मत करना, यानी कि 454 को। यहां पर हमने इसको रखा है 4th नंबर के लिए। और भाई इसकी बात करते हैं, सबसे पहले इसकी बिल्ड डिजाइन आपको अच्छी मिल जाएगी, इवन यहां पर आपको स्क्रैचेस कम देखने को मिलेंगे, लेकिन पड़ते हैं स्क्रैचेस लेकिन कम। इसके बाद ईयरबड्स की डिजाइन स्पेशली बोलूंगा भाई, अच्छी आती है, फिटिंग अच्छी है, और इन ईयर टाइप ये ईयरबड्स आते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो भाई थोड़ा थोड़ा मतलब यहाँ पर मैट और शाइनी ग्लॉसी जो फिनिश है ना वो मिल जाती है, रिसेट का बटन मिल जाता है, साथ में यहाँ पर आपको 42 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, और यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग वगैरह मिल जाती है। साथ में ईयरबड्स है ना जो, वो लगभग 5.5 घंटे के आसपास बैटरी आउटपुट निकाल के देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 32 डे भी ANC भी आता है। तो जब ANC वगैरह आप सुनते हो ना, तो 42 से लगभग आपको 35 आवर्स तक का बैटरी बैकअप आप मान सकते हो। इसके साथ साथ ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी यहाँ पर आती है। यहाँ पर आपको ड्यूल इक्वलाइजर मोड आता है, जहां पर आपको सिग्नेचर या फिर आपको नॉर्मल मोड मिलता है। और गेमिंग के लिए यहाँ पर आपको 20 मोड, यानी कि 50 ms की लो लेटेंसी, IPX5 की रेटिंग, ये सारे फीचर मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर भी भाई आपको क्वाड माइक और ENX टेक्नोलॉजी, या फिर ENC बोल सकते हो आप, कॉलिंग के लिए यूज होती है। तो माइक्रोफोन का आउटपुट इसका भी मैंने एंड में डाला हुआ है। और दोस्तों अगर बात करूं ऑडियो क्वालिटी की, तो भाई यहाँ पर आपको बढ़िया ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको दो मोड मिलते हैं, तो सिग्नेचर ऑडियो वो ज्यादा बढ़िया लगती है, जहां पर आपको वोकल्स, ट्रेबल और जो बेस आउटपुट है उसका जो कॉम्बिनेशन है वो काफी बढ़िया रहता है। बेस आउटपुट ज्यादा रहता है, ओवरकम करता है कभी कभी, लेकिन आउटपुट वो बढ़िया है। लेकिन अगर आप सिग्नेचर की बजाय नॉर्मल मोड सुनते हो, वो बहुत ही बेकार लगता है। तो भाई 1799 रुपए के अंदर आते हैं, और मैं यही बोलूंगा 1799 रुपए थोड़े से ज्यादा, अगर आपको 1500 रुपए के अंदर कहीं मिलते हैं तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो। दोस्तों तीसरे नंबर पे जो हमने रखे ना भाई ईयरबड्स, ये कुछ अलग ही चीज है। मतलब ये है बोल्ट के अस्तरा मॉडल, और भाई अभी तक मैं देख रहा था कि विंग्स वगैरह भी बनाते थे कुछ स्पेसशिप टाइप चीजें, भाई यहाँ पर भी ये मतलब ले आए। वैसे चाइना वाले बहुत चीजें बना देते हैं और यहाँ पर लॉन्च हुआ देते हैं, तुमको बताइए। तो भाई इसकी सबसे पहले लुक बिल्ड डिजाइन देखो भाई, मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक और क्रेजी डिजाइन लगी, एयरशिप जैसी लगती है, फिर आप बोल सकते हो एलियन डिजाइन वाले स्पेसशिप जैसी डिजाइन है। भाई पीछे दो टाइप सी के पोर्ट दे रखे हैं, सामने की तरफ बोल्ट लिखा हुआ है। ओपन करो तो भाई यहाँ पर लाइटिंग के लिए जो लाइट्स हैं छोटी छोटी वो मिल जाती है, लेकिन वो जब चार्ज होते हैं तभी चलती है। और जो इसके ईयरबड्स भी हैं भाई, वो भी उनकी जो शेप है ना बहुत अलग सी मिल जाती है, तो कानों में फिटिंग सही आ जाती है। और यहाँ पर ना भाई लुक एंड फील मुझे काफी बढ़िया लगी, तो मतलब एक पॉइंट तो डेफिनेटली मैं दूंगा इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को। अब बात करते हैं इसके फीचर्स। तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी की लेटेस्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है, साथ में यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाता है, 48 आवर्स का लॉन्ग बैटरी बैकअप, और ईयरबड्स लगभग 5.5 घंटे के आसपास आउटपुट आपको दे देते हैं। चार्जिंग स्पीड बढ़िया, यहाँ पर आपको 10 मिनट के अंदर 100 मिनट का आउटपुट मिल जाता है, और गेमिंग के लिए 45 ms की लो लेटेंसी भी प्रोवाइड करी है इस ब्रांड ने आपको। साथ में यहाँ पर भी आपको IPX5 की रेटिंग मिल जाती है, तो स्वेट प्रूफ है, और हल्का फुल्का पसीना आएगा, बारिश हो रही है तो भाई उससे भी आपको
कोई दिक्कत नहीं है। और वही सब कुछ यहाँ पर भी आपको क्वाड माइक ईएनसी और यहाँ पर भी आपको लगभग 13 mm के ऑडियो ड्राइवर मिल जाते हैं इसके अंदर। लेकिन भाई जो टाइप सी दो दे रखे ना वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ से भी चार्ज कर सकते हो, यहाँ से भी चार्ज करते हो, आई डोंट नो भाई, शायद वो एक खराब हो जाए तो दूसरे से चार्ज करते हो, ऐसा कुछ सोचा होगा ब्रांड ने तो नहीं, तुम्हें पता है किसने सोचा होगा। बाकी माइक्रोफोन का आउटपुट मैंने एंड में डाला हुआ तो वहां से सुन लेना। और बात करूं उसकी ऑडियो क्वालिटी की, तो मैं अभी तक सोच रहा था भाई शायद डिजाइन में काम कर रखा है। ऑडियो भी यहाँ पर आपको बढ़िया मिल जाती है, जहां पर आपको मतलब क्रिस्प ऑडियो है, बेस क्वालिटी बढ़िया है और ट्रेबल्स को बहुत हद तक इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, जहां पर बहुत ज्यादा हाई नहीं लगते या फिर चुभते नहीं है और वोकल्स भी बढ़िया तरीके से क्लियर आते हैं। और लाउडनेस की बात करूं तो लाउड भी है, अगर आप फुल वॉल्यूम पे सुन रहे हो तो हाँ अच्छे खासे लाउडनेस आपको मिल जाती है और बाहर ऑडियो नहीं जाती, ये अच्छी चीज है। तो ओवरऑल जो पैकेज है भाई वो आता है 1399 रुपए के अंदर। और डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि अगर आपका बजट है इतना और आप चूज करना चाहते हो कुछ अतरंगी सतरंगी से डिजाइन या फिर स्पेसशिप डिजाइन, तो भाई चूज कर सकते हो। अच्छा लगा मुझे ये वाला ईयरबड भी। तो बेस्ट बाय जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। अब सेकंड नंबर पे जो ईयरबड्स रखे ना वो भी भाई डिजाइन के बादशाह हैं और ये हैं फैंटम 340। ये विंग्स की तरफ से आते हैं, जैसे मैं बोल रहा था भाई विंग्स ही करता है ये कारनामे। और भाई इनकी भी जो डिजाइन है या फिर बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही खासम खास है। अगर आप देखोगे भाई पूरे क्रिस्टल है और सब कुछ नजर आता है इसके अंदर का ईयरबड्स के डिजाइन का। स्पेशली बोलूंगा भाई यहाँ पर कुछ कुछ इंस्पायर लगते हैं नथिंग से, लेकिन यहाँ पर आपको एकदम कॉपी नहीं है, मतलब अपनी एक डिजाइन है, मतलब एक फैक्टर है ग्राउंड डिजाइन के अंदर लॉन्च कर रखे हैं। तो भाई ये चीज जरूर मैं बोलूंगा। और ये भी मतलब आप समझ ही रहे हो, मतलब ये तो नहीं है कि विंग्स ने इस पे R&D करी होगी, चाइना से ही उठाया हुआ मॉडल है, लेकिन फिर भी लॉन्च करा पहले तो भाई ऐसी कुछ आईडीज बोलते हैं इनको, इस डिजाइन को आईडी बोलते हैं, तो भाई इन्होंने पहले पिक करा ये, इसमें एक नंबर मिल सकता है इन्हें। एक छोटी सी चीज बता दूं, मतलब जितनी अतरंगी और सतरंगी डिजाइन होगी, जितनी अनयूजुअल डिजाइन होगी ना, उसके लिए उतने ही ज्यादा पैसे लगते हैं अगर आप चाइना से बाय कर रहे हो तो। ये मेरे को अभी हाल ही में पता लगा। तो ये सारी बातें छोड़ते हैं, अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 50 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी है, ANC इसके अंदर आता है 30 dB का। और उसके बाद ना 30 dB के बाद जो बैटरी बैकअप है थोड़ा सा देखो कम हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ 50 से रह जाएगा वो 40 घंटे के आसपास। गेमिंग मोड आता है 40 ms का, लेकिन भाई हमने टेस्ट कर रखा है काफी दिन से, तो यहाँ पर गेमिंग मोड 40 तो नहीं लेकिन 50 ms के आसपास आपको आउटपुट देता है। साथ में क्वाड माइक IPX5 की रेटिंग, और यहाँ पर अच्छी बात लगी मुझे ऐप सपोर्ट आता है, जहां पर आप अपने लोकेशन, इसके कंट्रोल चेंज, इसकी लाइटिंग चेंज या फिर अपने ईयरबड्स को लोकेट कर सकते हो। ये काफी सही चीज लगी मुझे। इवन यहाँ पर आपको इक्वलाइजर सेट करने का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप बेस को कम ज्यादा या फिर अपने रॉक पॉप या फिर कुछ और मोड में भी आप चूज कर सकते हो। अच्छा, माइक्रोफोन का आउटपुट मैंने एंड में डाला हुआ है, लेकिन मुझे एक कमी इसमें लगी। अगर समझ लो बैरियर आता है बीच में कोई, जैसे दीवार आ रही है या फिर थोड़ा सा आप फोन से दूर हो रहे हो, तो भाई इसके जो कनेक्शंस हैं वो थोड़े से लॉस होने लगते हैं, तो कभी कभी ऑडियो ब्रेक होने लगता है बीच में, तो भाई ये थोड़ी सी कमी लगी मुझे इसकी। ऑडियो की बात करते हैं, ऑडियो काफी जबरदस्त आता है, 13 mm के ऑडियो ड्राइवर जो आपको भरपूर, मतलब मैं कहूंगा कि वॉइस क्वालिटी एकदम एक नंबर आती है, जहां पर आप पता नहीं लगा पाओगे कि आप विंग्स के ईयरबड्स सुन रहे हो या फिर किसी अच्छे ब्रांड के सुन रहे हो, मतलब 4-5, मतलब ये भी अच्छा ब्रांड है, 4-5 हज़ार वाले ईयरबड्स के सुन रहे हो, तो ये चीज मुझे लगी। साथ में वोकल क्वालिटी क्रिस्प है, क्लियर है, आप मूवीज देख सकते हो या फिर सॉन्ग सुन सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो। इवन एक चीज और बताऊं तो यहां पर आपको जो लाउडनेस है वो भी काफी सही मिल जाती है और बेस आउटपुट भी बढ़िया मिल जाता है, और जिसको ना आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हो, चेंज वगैरह कर सकते हो, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। बाकी प्राइसिंग की बात करते हैं भाई, अभी इसकी प्राइसिंग 2000 रुपए, मैंने बाय करा था 1500 रुपए के अंदर, क्योंकि जब सेल वगैरह चलती है तो भाई इसका जो प्राइसिंग है वो कम हो जाता है, 1499 हो जाता है। तो उस प्राइस के अंदर मैं कहूंगा डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है भाई, तो लुक एंड डिजाइन, साथ में भाई फीचर्स इतने बढ़िया और ANC वगैरह भी आता है। और हाँ, ANC बता दूं, ANC इसका ठीक ठाक सा काम करता है, बहुत ज्यादा सुपीरियर है, 30 dB ठीक ठाक सा काम करता है, आप OnePlus वाले से कंपेयर मत करना, बस इसका ANC 30 dB तक ठीक है, जो इस बजट में आ रहे हैं ना, मतलब जैसे बोट 141 या फिर दूसरा जो किसी में ANC है, तो वह ठीक ठाक से ही काम करते हैं, बहुत ज्यादा ओपी नहीं है। तो अगर आपको 1500 रुपए के अंदर मिला है तो डेफिनेटली पिक कर लेना, और 2000 रुपए के अंदर तब पिक करना जब मतलब थोड़े से पैसे ज्यादा खनक रहे हो ना जेब में, तो बाय कर लेना। बाकी नेक्स्ट ईयरबड की बात करते हैं, जो कि हमने नंबर 1 पे रखा है, एंड यस नंबर 1 पे जो डिजर्व करता है भाई ये प्रोडक्ट डेफिनेटली करता है, क्योंकि ये है रियलमी का T300। अब ये क्यों करता है और भाई क्या क्वालिटीज हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ना, ये 2000 रुपए के अंदर अभी तक लॉन्च हो चुका था या फिर आ रहा था, 1800-1900 रुपए के अंदर भी लिया है काफी लोगों ने, लेकिन इसकी प्राइसिंग अभी है 2200 रुपए, तो भाई ये मत बोलना कि भाई 2200 वाला प्रोडक्ट दिखा रहे हो, देखो प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती है। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, और भाई यहाँ पर अगर आप बात करूँ ना, तो देखो मैं इसको काफी दिन से यूज कर रहा हूँ, तो हल्के फुल्के मतलब यहाँ पर
मार्क्स तो आ गए, सोल मार्क्स आ गए, स्क्रैचेस नहीं है। मतलब मैं क्लोजअप दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे मार्क्स आ गए लेकिन क्लोजअप नहीं है। तो जितने भी ईयरबड्स बता रहा हूँ उनको टेस्ट और यूज कर सकूँ ताकि आपको एक बढ़िया रिव्यू मिल जाए कि भाई इनको लॉन्ग टर्म यूज करते तो कैसे रहेगा। तो यहाँ पर इसके ईयरबड भाई डिजाइन बढ़िया है, आकानों में बढ़िया तरीके से फिट आते हैं और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी मिल जाती है, मतलब सिंपल सोबर बढ़िया मिल जाती है। लेकिन रिसेट का बटन नहीं है, बस थोड़ी सी कमी मुझे लगी। बाकी यहाँ पर आप बात करते हैं फीचर्स की, 40 आवर्स का बैटरी बैकअप इसके अंदर मिल जाता है और यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग पता कितनी तगड़ी मिलती है, 10 मिनट के अंदर आपको 7 घंटे का आउटपुट मिलता है। जो अभी तक ईयरबड्स मैंने बताया ना 10 मिनट में 100 मिनट का आउटपुट, 150 मिनट का आउटपुट, 200 मिनट का आउटपुट, भाई वहां मिलता है 420 मिनट का आउटपुट 10 मिनट में फुल चार्ज, मतलब जल्दी हो लगाओ और भाग लो। तो भाई यहाँ पर ये बढ़िया है, ईयरबड्स भी काफी बढ़िया आउटपुट देते हैं, मतलब 5 घंटे से लेकर 5.5 घंटे का आउटपुट दे देंगे अगर आप 70-80% पे म्यूजिक को सुन रहे हो तो, वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं। और यहाँ पर आपको ना ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी मिल जाती है, साथ में यहाँ पर भी आपको माइक्रोफोन का आउटपुट बहुत जबरदस्त है, सुनना जरूर, इतना क्रिस्प और क्लियर आउटपुट आता है कॉलिंग के लिए तो मतलब मक्खन चीज है ये। और हाँ, इस बार यहाँ पर 30 dB का ANC मोड भी डाल दिया गया, 2000 रुपए के अंदर सब चीज दे रखी है और ANC इसका बोलूंगा कि भाई सबसे अच्छा काम करता है 30 dB का। और यहाँ पर आपको भाई गेमिंग मोड दे रखा है, ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब सारे जो फीचर है ना इसके अंदर डाल रखे जो अभी तक हम मिस करते थे 2000 रुपए के अंदर किसी रियलमी वाले प्रोडक्ट के अंदर, और वो अच्छा काम भी करता है, ऐसा नहीं है कि बस नाम के लिए दे रखा, अच्छा काम भी करता है। साथ में एक फीचर आता है 360 स्पार्शल ऑडियो को, तो भाई उसके बाद ना ऑडियो कुछ नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है, वो आप ऐप से करके मतलब चेंज कर सकते हो अपने ऑडियो को, और उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ लेकिन भाई आप सुनोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट ऑडियो आपको मिलेगा, थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा खुल के आ रहा है ऑडियो। इसके बाद यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस का फीचर मिल जाता है जो किसी भी ईयरबड के अंदर मुझे नहीं लगता कि 2000 रुपए के अंदर बस ओप्पो वगैरह का छोड़ के भाई मिलता हो, इनके अंदर भाई नहीं है। बोट नॉइस या विंग्स वगैरह की बात करूं नहीं आता। 12.4 mm के ऑटो ड्राइवर और यहाँ पर आपको ऐप सपोर्ट मिलता है जहां पर आपको कंट्रोल चेंज कर सकते हो, इसके मोड चेंज कर सकते हो, इक्वलाइजर मोड चेंज कर सकते हो, बेस को कम ज्यादा कर सकते हो और अपनी बैटरी वगैरह की जो परसेंटेज है ना वो भी देख सकते हो। बाकी माइक्रोफोन का आउटपुट मैंने लास्ट में डाला हुआ है। अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की, भाई यहाँ पर आपको एकदम बढ़िया जो बोलते हैं ना मतलब क्रिस्प क्लियर और जो बेस आउटपुट है बढ़िया, मतलब यहाँ पर आपको ऐप का सपोर्ट मिलता है तो आप मतलब बेस को तो बहुत अलग तरीके से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये तीनों सेक्शन के अंदर भाई बढ़िया है और यहाँ पर ना सेपरेशन बहुत अच्छी मिलेगी आपको, मतलब आपको वोकल्स भी सुनाई देते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्या बज रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर ये सुना देता है और बेस क्वालिटी भी पता लगती है। इवन जो वोकल्स में कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई हमें समझ में नहीं आए शब्द, गाने के अंदर लिरिक्स नहीं आए, वो यहाँ पर आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आते हैं। तो यही बोलूंगा भाई ऑडियो के मामले में सबसे बेस्ट यही मिलेगा, बाकी और जो फीचर है उसमें ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन प्राइसिंग अभी चल रही है 2299 या फिर 2200 रुपए के आसपास, थोड़े से एक्सपेंसिव है। तो जब भी आपको 2000 रुपए के अंदर या फिर नीचे मिल जाए पिक कर लेना, मेरे हिसाब से बेस्ट प्रोडक्ट है 2000 रुपए के अंदर। अब इसके बाद यहाँ पर माइक्रोफोन का आउटपुट आप सुन लो सभी ईयरबड्स का ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि किसका माइक्रोफोन सबसे बेस्ट है। इसी कंडीशन में टेस्ट कर रहा हूँ सभी को और सुनते जाओ। तो यह है नॉइस के ऑरा बर्ड्स का माइक्रोफोन का आउटपुट इंडोर कंडीशन के अंदर, जब भी आप इससे बात करोगे तो ऐसा आउटपुट रहता है और यहाँ पर ना बिल्कुल शोर शराबा नहीं है और कानों में पहन रखे हैं तो भाई ऐसा कुछ आउटपुट रहेगा। मुझे बताना जरूर माइक्रोफोन किसका बेस्ट लगा। इसके बाद हमारे पास है बोट के 141 ANC, इसके जो माइक्रोफोन का आउटपुट आप सुन पा रहे ऐसा कुछ माइक्रोफोन का आउटपुट रहता है और यहाँ पर भी अभी ना फैन चल रहा है ना कुछ भी चल रहा है और इसका भी बताना माइक्रोफोन का आउटपुट कैसा लगा आपको। बाकी ये है बोल्ट के अस्तरा मॉडल और भाई इनका भी जो माइक्रोफोन का आउटपुट है कुछ ऐसा रहेगा और ये भी इंडोर के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ, यहीं पे सबके माइक्रोफोन टेस्ट कर रहे हैं और इनको भी मैंने कान में लगा रखा, इसका भी माइक्रोफोन आपने सुन लिया, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा। बाकी ये है विंग्स के फैंटम 340 और भाई इनका भी माइक्रोफोन का आउटपुट मैं सुना रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको एक अंदाजा लग गया होगा भाई माइक्रोफोन का आउटपुट कैसा रहता है। साथ में यहाँ पर आपको एक रिसेट बटन भी मिलता है, ये बताना भूल गया था, तो बताओ माइक्रोफोन का आउटपुट कैसा लगा। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एंड फाइनली ये है रियलमी के T300, तो भाई इसका जो माइक्रोफोन का आउटपुट है मेरे हिसाब से बहुत सुपर्ब है और आप बताओ आपको कौन सा बढ़िया लगा अभी तक जितने भी सुने उनमें से सबसे बेस्ट ये है या फिर इससे पहले वाला था, क्योंकि उसका ऑडियो मैंने सुना था काफी बढ़िया था, लेकिन आपका आंसर मतलब मेरे हिसाब से काफी सही रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये थे T300। तो सुना आपने सभी का माइक्रोफोन, आपकी एक राय बन गई होगी कि भाई इसका माइक्रोफोन सबसे बेस्ट है, आप चूज कर सकते हो वो, और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपको सबसे बढ़िया माइक्रोफोन और ओवरऑल फीचर के हिसाब से प्राइसिंग किसकी बढ़िया लगी, कमेंट बॉक्स आपके लिए लिखते जरूर जाना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और ऐसी वीडियो और चाहिए या फिर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जो बाय करना चाहता है उसको शेयर कर दो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।